जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर संक की यानी स्टैटिक्स के प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में अवर्गीकृत आंकड़े थे। अवर्गीकृत का मतलब जब केवल पद दिया गया होता है तो इन आंकड़ों को हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े हम उनको कहते हैं जिसमें पद भी दिया होता है और उस पद की बारंबारता भी दी गई होती है। अब इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक असतत आंकड़े होते हैं और दूसरे सतत आंकड़े होते हैं। तो असतत आंकड़ों में पद दिया होता है, बारंबारता दी गई होती है और सतत आंकड़ों में वर्गंतराल दिया गया होता है। तो फिलहाल आज हम लोग वर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़ों में सतत आंकड़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। सतत नहीं बल्कि असतत आंकड़ों को पहले पढ़ेंगे, तब इसके बाद सतत आंकड़ों को पढ़ा जाएगा। तो हम लोग असतत आंकड़ों को पढ़ेंगे और यहाँ भी देखिए एक चीज़ बता दें, अवर्गीकृत आंकड़े हों चाहे वर्गीकृत आंकड़े हों, वर्गीकृत आंकड़ों में चाहे असतत आंकड़े हों या सतत आंकड़े हों, सबके लिए माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन, मानक विचलन निकालने का तरीका सबके लिए अलग अलग होता है। तो अगर आंकड़े वर्गीकृत हों, आंकड़े वर्गीकृत हों और असतत हों, उस स्थिति में अगर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन निकालना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपान होता है सिग्मा एफ आई। इसी तरह से अगर हमको असतत आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना हो तो ये होता है मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम अपान होता है सिग्मा एफ आई, जहाँ यक्स बार जो है मीन होता है और कैपिटल यम जो होता है वो मीडियन होता है। तो चलें, मीन का मतलब माध्य होता है और मीडियन का मतलब माध्यिका होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम आपको बताने जा रहे हैं और जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लगेगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 लगेगा, इसको याद रखे रहिएगा, और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लगेगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 लगेगा। तो हम एक आपको बताएंगे, एक आप खुद लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें दिया हुआ है यक्स आई। यक्स आई का मतलब पद होता है और इसके बाद आपको दिया है एफ आई। और जानते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए हमको एफ आई इंटू एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद अगले स्टेप में जो होगा वो एक्स बार होगा। एक्स बार का मतलब माध्य होगा और फिर इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा इसमें हो जाएगा यक्स आई माइनस एक्स बार। और इसके बाद एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला स्टेप जब आएगा तो अगले स्टेप में आएगा, देखें यहाँ अगले स्टेप में आएगा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, तो जा करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फिलहाल हम देखते हैं
यक्स आई की वैल्यू आपको दी गई है, 5 दिया गया है, 10 दिया गया है, 15 दिया गया है, 20 दिया गया है और 25 दिया गया है। और फिर देखें यफ आई का मतलब उनकी बारंबारता दी गई है, और बारंबारता में देखें क्या दिया हुआ है, 7 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 3 दिया गया है और 5 दिया गया है। तो अब हम लोगों को FI इंटू XI निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको यक्स बार निकालने के लिए। तो चलिए FI इंटू XI गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, और इसके बाद 10 × 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। और फिर आपको मालूम है कि ये जो है 15 × 6 = 90 होता है ना, ये हो जाएगा आपका 90। और फिर इसके बाद हम देखें यहाँ 20 × 3 = 60 हो जाएगा, और फिर ये 25 × 5 = 125 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। एक्स बार के लिए हम लोगों को सिग्मा FI XI निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले यहाँ हम सिग्मा FI की वैल्यू निकालते हैं। चलिए निकाला जाए, जोड़िए, ये हो जाएगा 7 × 4 = 11 11 × 6 = 17 17 × 3 = 20 और 20 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 हो गया। और यहाँ पर हम देखें तो ये 5 × 5 = 10 0 हो जाएगा, हासिल 1 हुआ। और फिर ये हो जाएगा 3 × 1 = 4 4 × 4 = 8 9 × 8 = 17 और 17 × 6 हो जाएगा 23 और 23 × 2 = 25 25 × 5 हो जाएगा, फिर हासिल 2 और 2 × 1 = 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा FI इंटू XI। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। अब अगर आपको यक्स बार निकालना हो तो यक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सिग्मा FI अपॉन, देखिए सिग्मा FI XI अपॉन होता है सिग्मा FI। इस फार्मूले को आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे माध्य निकालने के लिए। तो देखें सिग्मा FI XI की वैल्यू 350 और अपान हो जाएगा 25। अब चलिए इसको भाग देते हैं, या तो सीधे 5 से भाग दे दें या थोड़ा सा छोटा करके कटा दें, तो 5 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 5 × 7 = 35 हो जाएगा, ठीक। और फिर 14 × 5 = 70 होता है, तो 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो चले यहाँ पर माध्य निकल गया और माध्य हमारा मिला है 14। अब क्या करेंगे, अब XI यहाँ पर मॉड लेकर के निकालेंगे। मॉड का मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो भी और निगेटिव आएगी तो भी, हर स्थिति में वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे हम लोग। तो चले ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, तो अब ये है XI और ये है यक्स बार। एक्स आई में से एक्स बार घटाएंगे तो आप 14 में से 5 घटाइए या 5 में से 14 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9। और फिर 10 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर 15 में से 14 घटाएंगे 1 हो जाएगा। फिर 20 में से 14 घटाएंगे 6 हो जाएगा। फिर 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। अब जो है अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में क्या होगा, FI इंटू मॉड XI माइनस एक्स बार। तो चलिए FI की वैल्यू ये है और इनका गुणा करना है, गुणा कर दीजिए तो 7 × 9 = 63 हो जाएगा। और फिर देखें यहाँ पर 4 × 4 = 16 हो जाएगा, फिर 6 × 6 = 6 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा और 11 × 5 = 55 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो
अब देखिए जोड़ेंगे तो देखिए 3 6 3 9 हो गया, 9 6 15 और 15 8 23 हो जाएगा और 23 5 28 हो जाएगा, 28 को 8 हो जाएगा, फिर 2 6 2 8 8 1 9 9 1 10 और 10 5 15 ये हो जाएगा 158। ये जो है सिग्मा, देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू निकल गई। अब हमको निकालना है मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बार, यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो ये ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, ये है 158 और नीचे है सिग्मा एफ आई, तो एफ आई की वैल्यू जो है ये 25 है और 25 से भाग देना है आपको 158 में, तो भाग दे दीजिए ना 158 में। अगर 25 से हम भाग दें तो देखिए 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 25 छक्का 150 ये हो जाएगा आपका 150, तो ये 8 हो गया। और फिर क्या होगा, ये 25 दूना 50 हो जाएगा, ये हो गया 50, फिर ये हो गया 30 और 10 और अगर आप ला दें, या चलिए अगर एक बार और ले जाए तो ये हो जाएगा, बल्कि कह लिए 25 या 75 नहीं जाता, 3 बार भाग जाता, ये 3 बार भाग जाता, तो ये हो जाता आपका 25 या 75 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 50 25 दूना 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो वैल्यू आएगी 6.32 आएगी, यानी यहाँ पर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमने ज्ञात कर लिया। तो ये जो था ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, और तो इस प्रकार इसका आंसर आया आपका 6.32। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत कठिन नहीं होता है, आसान होता है। और ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आ गया है? हाँ, चलिए ठीक है, अब इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है 7 व 8 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन हम लोगों को ज्ञात करना है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन इजकल टू सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस यम अपान होता है सिग्मा एफ आई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर हमारा होगा एक्स आई और इसके बाद होगा यहाँ एफ आई, और जानते हैं इसमें हम लोगों को संचयी बारंबारता निकालने की ज़रूरत पड़ती है। संचयी बारंबारता को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको साल्ट में जो है सी एफ कहते हैं। और इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा आता है वो यहाँ पर यम होता है, और फिर इसके बाद वाले स्टेप में जो होता है ये होता है देखें एफ आई इंटू, या क्यों एक स्टेप और अगर हम बढ़ावें तो अगले स्टेप में जो होता है ये होता है एक्स आई माइनस यम, ये मॉड होता है। और फिर एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते हैं तो इस स्टेप में होता है एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस यम, ये होता है। और चलिए अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम।
तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखे क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है एक्स आई, ये 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और फिर ये 15 दिया हुआ है। अब चलिए एफ आई देखे क्या दिया हुआ है। एफ आई में आपको 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है और फिर इसके बाद 2 और 6 दिया हुआ है। देखें आप लोग संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना आप पढ़े हैं, इसको भी क्लास 10th में पढ़े हैं। देखें कैसे निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ऊपर वाला पद जो होता है वो हम पहले रखते हैं, तो वो जैसे रहता है उसको वैसे ही रख देते हैं पहले वाले पद को। फिर क्या करते हैं, फिर उसमें दूसरे वाले को जोड़ करके लिखते हैं। तो देखिए 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 14 में 2 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा और फिर 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें माध्यिका इसका कैसे निकालेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो तरीका होता है, अगर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अगर हम सिग्मा निकालते हैं, देखिए सिग्मा एफ आई निकालते हैं, तो सिग्मा एफ आई जो होगा जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर जो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है इसका जो सबसे अंतिम पद होता है वही बारंबारता का जोड़ होता है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू होती है और ये है 26। और देखिए ये सम है, जब सम होता है ना तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है यन बाई टूवा पद, यन बाई टूवा पद और प्लस होता है यन बाई टू प्लस वनवा पद और पूरे का बटा में होता है 2 अगर पदों की संख्या सम हो तो। तो अब देखिए हम माध्यिका निकालते हैं, ये देखिए ये 26 है, ये जो सिग्मा एफ आई होगा ना वही यन होगा, इसी को हम यन मानते हैं। तो अब 26 बटा में 2 करेंगे तो 26 बटा में 2 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 13 के नज़दीक संचयी बारंबारता कौन है, ध्यान दीजिएगा यन बाई टू, यन के जगह पे 26 होगा तो 26 बटा 2, 26 बटा 2 का मतलब 13। अभी हम देखते हैं कि 13 के नज़दीक कौन सा नंबर है, तो 13 के नज़दीक वाला नंबर 14 है, तो 14 के लिए पद जो होता है वो 7 है। और इसके बाद देखिए यन बाई टू यानी 13 और 13 धन 1 14 यानी 14वां पद। अब देखते हैं 14, तो 14 पद तो बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है और 14 के सामने की भी वैल्यू 7 है बाई हो जाएगा 2, तो फिर 7 धन 7 हो जाएगा 14, 14 बटा में 2 हो जाएगा और 14 में 2 से भाग दे देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जो माध्यिका निकली है वो माध्यिका 7 निकली है। यहाँ माध्यिका हम नोट कर लेते हैं और फिर अगला स्टेप होगा मॉड एक्स आई माइनस यम। देखिए एक्स आई में से यम को माइनस करेंगे, अब देखिए 5 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा, मॉड है तो मॉड में केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, फिर 7 में से 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 होगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 होगा, 12 में से 7 घटाएंगे 5 होगा, 15 में से 7 घटाएंगे 8 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस यम। तो एक्स आई माइनस यम निकाल चुके हैं, एफ आई आपके सामने है, चलिए गुणा कर देते हैं। तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 पाँच 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 6 48। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, देखिए सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस यम की वैल्यू जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 6 16 और 16 और 8 हो जाएगा 24, को 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया,
फिर 2 1 3, 3 1 4 और 4 4 8 हो, 4 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू यम निकालना है। तो इसकी वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये है आपका 84 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आप देख रहे हैं 26। इसको कटा दीजिए, कटा देंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो 2 से कटा देंगे तो ये 13 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 42, यानी ये हो जाएगा 42/13। तो 42 में 13 से भाग दे दीजिए, देखिए 42 13 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका, 13 से भाग दे देंगे तो 13 3 39 हो जाएगा और फिर आप कटा दीजिए, माइनस कर दीजिए तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3 हो जाएगा और फिर दशमलव करके 0 ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 13 2 26 हो जाएगा, फिर ये 4 बचेगा, फिर 13 3 39 हो जाएगा, तो लगभग इतना ही छोड़ दीजिए, 3.2 3 दशमलव के बाद 2 अंक तक सही माना जाता है, तो 3.23। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 7 में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना था और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन हमने ज्ञात कर लिया और इसकी वैल्यू जो आ रही है ये 3.23 आ रही है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 आपको, तो ये जो है आंसर आपका 3.23 आ गया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और देखिए अभी तक 1 2 3 4 अवर्गीकृत आंकड़े थे, अब इसके बाद 5 6 7 8 वर्गीकृत आंकड़े हैं लेकिन ये असतत आंकड़े थे, अब इसके बाद 9 10 11 12 यहाँ सतत आंकड़े होंगे और यहाँ भी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 आप सबको समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ चलिए अच्छी तरह से, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लिया करिए और जो लोग वीडियो देखते हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनको बताया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है मैथ आज हम बंद करते हैं इतना ही और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।